नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल JKS टेक्निकल हब में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मैट्रिक्स NVR में मैट्रिक्स DNS होस्ट नेम हम किस तरीके से रजिस्टर करेंगे और इसके अलावा आपको राउटर में क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, NVR के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, लैपटॉप और डेस्कटॉप से आपको होस्ट नेम के थ्रू किस तरह से आप कैमरे व्यू करेंगे और मोबाइल से भी आप होस्ट नेम के थ्रू किस तरीके से कैमरे व्यू करेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में दिखाऊंगा, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें डिवाइस क्लाइंट को जो है ओपन कर लेना है और उसे लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने दो कैमरे यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, इसका लाइव व्यू आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसे करते हैं डिसकनेक्ट और जाते हैं सेटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि HTTP 80 है और TCP इसमें 8000 है। तो मेरे को यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, HTTP जो पोर्ट है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 8080 और मेरा जो TCP पोर्ट है उसे 8000 ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। सेव होने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और मैं अभी राउटर को एक्सेस करता हूँ। राउटर को एक्सेस करने के लिए उसका हमें IP डालना पड़ेगा और उसका क्रेडेंशियल भी डालना पड़ेगा। राउटर एक्सेस होने के बाद यहाँ पे आपको ऐप में जाना है और एडवांस नेट में जाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है आपको एक्सटर्नल पोर्ट। एक्सटर्नल पोर्ट में आपको यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमारा पोर्ट था वो 8080 था, तो हमें ये एक्सटर्नल पोर्ट में भी डाल देना है और फिर इंटरनल पोर्ट में भी हमें ये सेम ही डालना है 8080 और इंटरनल सर्वर में हमें ये IP डाल देना है जो हमारे NVR का है। यहाँ पे मैपिंग नेम जो है हमें NVR 1 में रख देता हूँ और इसे ऐड करते हैं। ऐड होने के बाद फ्रेंड्स, मैं एक बार और 8000 वाला जो पोर्ट है वो भी मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्सटर्नल पोर्ट में मैं यहाँ पे 8000 डाल रहा हूँ, इंटरनल पोर्ट में भी मैं 8000 डाल रहा हूँ और इंटरनल सर्वर में मेरे NVR का IP यहाँ पे डालना है और मैपिंग नेम में मैं इसमें NVR 2 नेम डाल देता हूँ और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो मेरे पोर्ट्स हैं वो मेरे इनेबल हो चुके हैं यहाँ पर। अब मेरे को ये चेक करना है कि मैं जो मैंने राउटर पे जो पोर्ट फॉरवर्ड किए हैं क्या वो ओपन हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सीधा गूगल क्रोम ओपन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट चेकर। पोर्ट चेकर ऑन होते ही यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो पोर्ट नंबर शो कर रहा है वहां पे हमें 8080 जो हमने HTTP का जो डाला है उसे चेक करना है, ये हमारा ओपन दिखा रहा है। फिर हमें TCP पोर्ट जो है उसको यहाँ पे चेक करना है, तो हम यहाँ पे 8000 कर देते हैं और इसे चेक करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स ये हमारा ओपन, यहाँ पे दोनों पोर्ट हमारे जो है ओपन शो कर रहा है। अब इसके बाद फिर हमें सीधा NVR पे जाना है, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर हम नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे फिर मैट्रिक्स DNS क्लाइंट में जाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमें इनेबल करना है ये और इसके बाद हमें यहाँ पे होस्ट नेम डालना है। ये होस्ट नेम आप कोई सा भी डाल सकते हो, अपने घर के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से आप डाल सकते हो। नीचे आपको यहाँ पे फॉरवर्डेड पोर्ट दिखा रहा है, उसमें आपको HTTP पोर्ट जो हमने 8080 डाला है उसको यहाँ पे डाल के आपको सीधा रजिस्टर प्रेस करना है और उसके बाद आपको सेव प्रेस करना है। सेव होने के बाद आपको इसे क्लोज कर देना है मैट्रिक्स डिवाइस क्लाइंट को।
फ्रेंड्स, लॉग आउट होने के बाद अगर आपको ये कैमरे किसी भी अदर पर्सन को या जो बंदा इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, अगर उसको आपको इसे एक्सेस करवाना है अपना लैपटॉप से, तो आप क्या करेंगे? आपको सीधा सबसे पहले क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लिखना है www. जो आपने होस्ट नेम डाला था, और डॉट फिर मैट्रिक्स dns.erv.com। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और एंटर का की प्रेस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है डाउनलोड का एक बटन आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स डिवाइस क्लाइंट का डाउनलोड का है बटन, आपको उसको डाउनलोड करवा देना है। डाउनलोड होने के बाद इसे आपको इंस्टॉल भी करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहां पे इस तरीके से आपको ये डिवाइस क्लाइंट आपको ओपन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले जो यूआरएल आपने पहले डाला था गूगल क्रोम पे, वही सेम आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे एंटर का की प्रेस करना है। एंटर का की प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आएगा। आपने जो भी एडमिन का जो पासवर्ड रखा है उसको आप डालेंगे यहाँ पर, और आपको पोर्ट यहाँ पे 8000 ही रखना है, और यहाँ पे इसे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका ये हमारा NVR जो है होस्ट नेम पे आपका ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे आपको वो कैमरे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कैमरे देखेंगे तो आपको वही सेम कैमरे आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब मैं इसे जो है लॉग आउट कर देता हूं। अब मैं आपको इसे मोबाइल पे किस तरीके से इसे व्यू करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। प्ले स्टोर में जाके फ्रेंड्स, मेरे को यहां पे लिखना है मैट्रिक्स सत्य साइट। इसे आपको सर्च करना है और यहां पे इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ओपन का एक ऑप्शन आ रहा है, ओपन में आपको प्रेस करना है। ये आपका मैट्रिक्स सत्य साइट जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ के लिए बोल रहा है, तो दो या तीन परमिशंस है वो आपको अलाउ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का एक बटन जो दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, उसको प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आ रहा है डिवाइस नेम, आप अपने हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका पब्लिक आईपी का, यहाँ पे आपको प्रेस करना है और आपको मैट्रिक्स डीएनएस होस्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और आपने जो होस्ट नेम डाला था test10 वो आपको यहाँ डालना है, या जो भी आपने होस्ट नेम डाला है उसको यहाँ पे आपको डालना है, और आपको इसका पोर्ट जो है वो एज इट इज रहने देना है 8000। अगर आपने TCP पोर्ट चेंज किया है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर एडमिन का जो पासवर्ड है वो आप डालेंगे और इसे ऊपर सेव प्रेस कर देंगे। सेव करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा।
फिर आपको इसे प्रेस करना है, जो कैमरे आपको देखने उसको टिक करना है और इसे प्ले करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे कैमरे जो है आपके मोबाइल पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कैमरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपका DNS होस्ट नेम पे।